मुख्तलिफ गैर मुल्की कारसाज कंपनियों की गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। चेंगन की गाड़ियों की कीमतों में 4 से 13 लाख 99 हज़ार तक का इजाफा किया गया है। M9 4 4 लाख इजाफे से 21 लाख 84 हज़ार रुपये की हो गई है। मजीद जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, जी बिल्कुल, मुख्तलिफ गैर मुल्की कार साफ कंपनी की जानब से भी गाड़ी कीमतों में इजाफा है वो कर दिया है और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक चंगन की बात करें तो उनकी गाड़ी कीमतों में 4 लाख तक लेकर 13 लाख 99 हज़ार तक इजाफा है वो किया गया है। और चंगन की M9 की कीमत में 4 लाख तक इजाफे के बाद नई कीमत है वो 21 लाख 84 हज़ार है वो हो गई है, जबकि कारवान MT की कीमत में 4 लाख तक इजाफे के बाद नई कीमत है वो 24 लाख 70 हज़ार है वो बदल दी गई है। और शान X7 कंफर्ट 13 लाख 99 हज़ार का महंगा महंगी होकर नई कीमत जो है वो 74 लाख 49 हज़ार तय हो गई है। और शान X7 कंफर्ट जो है वो 13 लाख 99 हज़ार तय है वो महंगी होने के बाद नई कीमत है वो 74 लाख 49 हज़ार तक कर दी गई है। और दूसरा L3 1.3 MT की कीमत में 5 लाख तक इजाफे के बाद नई कीमत है वो 13 लाख 94 हज़ार तक मुकर की गई है। और DFSK ने भी कार कीमतों में इजाफा किया, उसके मुताबिक DFSK की ग्लोरी 580 Pro की कीमत में 11 लाख 50 हज़ार का इजाफा है वो किया गया है। इसके बाद नई कीमत है वो 65 लाख 50 हज़ार का है वो मुकर की गई है। DFSK 07 की कीमत में 4 लाख 30 हज़ार का इजाफे के बाद नई कीमत 24 लाख 70 हज़ार रुपये, जबकि JFSK 800 CC की कीमत में 3 लाख 86 हज़ार का इजाफे के बाद नई कीमत है वो 19 लाख 20 हज़ार मुकर की गई है। जबकि दूसरे GWM हॉल एक्स की कीमत में भी इजाफा है वो किया गया है और उस कीमत में इजाफे के बाद जो नई कीमत है उसकी 4 लाख तक इजाफे के बाद नई कीमत 76 लाख 99 हज़ार रुपये हो गई है। और GWM हॉल एक्स 2.2 की कीमत में 13 लाख तक इजाफे के बाद नई कीमत है वो 87 लाख 99 हज़ार तक कर दी गई है और उस कीमत का 1 लाख है वो आज से ही करने की तैयारी जारी की गई है। जी हदायत जारी की गई हैं। सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया।